हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं RBSE के विज्ञान का 7वां अध्याय परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म। और ये बच्चों इसका दूसरा भाग है, पहला भाग हमने पहले पढ़ लिया है। इसमें हमको देखना है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग और निल्स बोर की परिसंकल्पना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है वहाँ पे 10th RBSE विज्ञान की प्लेलिस्ट होती है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको विज्ञान के सारे पाठ मिल जाएंगे। बात करते हैं रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग की। इनका जो प्रयोग था इसको हम समझेंगे। इन्होंने जो बच्चों प्रयोग किया था वो किया था सोने की पन्नी पे, जो सोना होता है, जो हमारी माताएं बहनें पहनती है गोल्ड, उसकी पतली सी पन्नी पर इन्होंने परमाणुओं की बम्बार्डमेंट कराई। बम्बार्डमेंट का मतलब होता है कि बौछार करवाई। कौन से परमाणुओं की? अल्फा परमाणुओं की। अल्फा परमाणुओं की बौछार करवाई, और उस बौछार से जो भी उनको पता चला, जो उनको समझ में आया, उन्होंने उसके नियम बना दिए। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्रयोग है, स्वर्ण पत्र प्रयोग है, क्योंकि सोने की पन्नी पे कराया गया, और अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा जो तत्व है उनका प्रयोग किया गया। तो इसको समझते हैं कि क्या हुआ। अगर स्वर्ण पत्र को हम गौर से देखेंगे तो उसमें क्या होगा, परमाणु होंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि कोई भी जो तत्व होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे सोने का जो पत्र है वो भी परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो इसके परमाणु को हम देखें तो ये कुछ इस तरह के दिखाई दिए, ये इसके परमाणु हैं। और जब इस पे अल्फा कणों की बौछार हुई तो कुछ कण ऐसे हुए जो इसके आर पार निकल गए। वो कौन से कण थे जरा देखते हैं। ये कण आए और ये कण इसके आर पार निकल गए। जो स्वर्ण पत्र था उसके जो परमाणु थे उनसे आर पार ये निकलते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आर पार निकल गए? अगर इन ये जो भी कण हैं जो आर पार निकले, इनको अगर हम देखें तो ये वैसे कण हैं जो केंद्र से दूर स्थित हैं। इस वाले कण को देखो, ये केंद्र से बहुत दूर है, ये भी केंद्र से दूर है, और ये भी केंद्र से दूर है, और ये भी केंद्र से दूर है। तो जो भी तत्व, जो भी कण, जो भी अल्फा कण केंद्र से दूर है वो सीधे आर पार निकल गए। जो भी कण थे वो आर पार निकल गए। अब इनमें कुछ ऐसे कण हुए जो आर पार निकले, वो कौन से कण हैं? वो कण वो हैं जो केंद्र के थोड़ा समीप थे। जो केंद्र के समीप गए वो केंद्र के प्रभाव से अपनी दिशा से विचलित हो गए और किसी कोण पे मुड़ गए। जैसे फिर से देखेंगे, ये केंद्र के समीप आया और केंद्र के समीप होने के कारण केंद्र का इस पे प्रभाव पड़ा और ये केंद्र से कुछ कोण पे मुड़ गया। तो हमने दो तरह की चीजें देखी। एक कण तो ऐसे थे जो केंद्र से दूर हैं और वो आर पार निकल गए, और कुछ कण ऐसे हैं जो केंद्र के पास आ रहे थे और केंद्र के प्रभाव से दूर चले गए। अब कुछ कण ऐसे भी हुए इनमें जो केंद्र पर डायरेक्ट टकराए और केंद्र से टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट गए जिस दिशा से वो आए थे। मतलब जिस दिशा से बौछार हो रही है कणों की, उसी दिशा में वो केंद्र से टकरा के लौट गए। तो यहाँ पे तीन चीजें हुई कि जो कण केंद्र से दूर हैं वो तो आर पार निकल गए, जो केंद्र के पास आने की जिन्होंने कोशिश करी, जो केंद्र के समीप थे वो कुछ कोण पे मुड़ गए, और जो सीधे केंद्र पे आ गए वो टकरा के वापस उसी दिशा में चले गए जिधर से वो कण आ रहे थे। तो ये चीजें इन्होंने देखी। अब इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो जो कण आर पार निकल गए, जो केंद्र से दूर थे, इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो कण दूर थे वो आर पार क्यों निकले? क्योंकि जो केंद्र है इसके आसपास खाली जगह होती है। अगर खाली जगह होती है तो वहां से ये जो कण है वो आर पार निकल गए। मतलब केंद्र के आसपास क्या है, बहुत सारी खाली जगह है जहां से ज्यादातर कण आर पार निकल गए। और केंद्र जो है वो सबसे प्रभावशाली होता है, और केंद्र जो है सबसे प्रभावशाली होता है, इसलिए इसके पास जो कण आए
वो कुछ कोण पे मुड़ गए और इससे टकराने वाले उल्टी दिशा में वापस चले गए। इसलिए केंद्र सबसे प्रभावशाली होता है। ये सब देख के इन्होंने कुछ निष्कर्ष बताए, वो देखते हैं। क्या प्रयोग किया? अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से टकराकर बिना मुड़े सीधे निकल गए। बहुत कम कण किसी कोण पर विचलित हुए और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर मुड़ गया। 180 डिग्री का मतलब क्या है? जो केंद्र था, केंद्र पर आया और टकरा के वापस उसी दिशा में चला गया। तो ऐसे कण कितने थे? 20,000 में से एक कण ऐसा था, केवल एक कण ऐसा था जो वापस चला गया टकरा के। ज्यादातर कण तो आर पार हो गए क्योंकि बहुत सारी खाली जगह होती है, और जो कण पास आने की कोशिश की वो कुछ कोण पे मुड़ गए। तो ये रदरफोर्ड का प्रयोग था। अब इस प्रयोग के आधार पर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले वो हम देखते हैं। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, खाली होता है और आवेशहीन होता है, इसलिए अल्फा कण सीधे निकल गए बिना विचलित हुए। जो परमाणु था उसके से आसपास से सीधे निकल गए क्योंकि अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त। दूसरा बिंदु है, कुछ कण विचलित हुए अर्थात उन पर प्रतिकर्षण लगा, अतः परमाणु का समस्त धनावेश जो है परमाणु के नाभिक में होता है। जो प्रभाव होता है वो नाभिक में होता है, और ये कौन सा प्रभाव है? धनावेशित प्रभाव है। ठीक है, तो जो आवेश होता है परमाणु का वो केंद्र में उपस्थित होता है। ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला। और एक निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु का व्यास 10^-10 मीटर के बराबर होता है। यही किसने बताया था? यही बताया था थॉमसन ने। थॉमसन ने भी यही कहा था कि जो परमाणु जो होता है उसका आकार 10^-10 मीटर क्या होता है। तो ये कुछ निष्कर्ष बताए रदरफोर्ड ने। अब मुख्य रूप से रदरफोर्ड ने क्या मॉडल बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है, क्योंकि जो नाभिक था, जो केंद्र था, वहीं से जो तत्व है वो टकरा के अपनी दिशा भटक गए थे और वापस चले गए थे। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण द्रव्यमान और आवेश नाभिक के केंद्र में उपस्थित होता है। दूसरा बिंदु है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर जो नाभिक होता है, जो केंद्र वाला भाग है, ये नाभिक है और इसके आसपास परमाणु घूमते रहते हैं। ये इन्होंने बताया। अगला बिंदु है, परमाणु उदासीन होता है अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणात्मक और प्रोटॉन मतलब धनात्मक आवेश, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक आवेश की संख्या इन पे समान होती है और ये क्या होता है? उदासीन होता है। ये इन्होंने मॉडल के बारे में बताया। अब इनके मॉडल में कुछ कमियां भी रही। वो कमियां क्या थी कि ये परमाणु मॉडल के स्थायित्व को नहीं समझा सके। इसका मतलब ये है कि जो परमाणु मॉडल था कि अब इसको कैसे बनाएं हम, आपने तो कह दिया कि भाई परमाणु घूमते हैं, कैसे घुमाएं इनको, कैसे घूमेंगे आसपास, उसकी निश्चित कक्षा बताओ कि किस कक्षा में घूम रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इनको बताया नहीं, और बहुत सारी चीज़ें थी समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया, तो इनकी कुछ कमियां रही। दूसरा बिंदु क्या है, मॉडल परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को नहीं समझा सका कि जो परमाणु होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी होती है, उसको भी इन्होंने नहीं बताया। तो इनके मॉडल में ये कुछ कमियां रही, इसलिए आगे का मॉडल हम पढ़ेंगे, बोहर का परमाणु मॉडल। निल्स बोहर का परमाणु मॉडल क्या है कि इन्होंने कहा कि जो नाभिक होता है उसके आसपास कुछ कक्षाएं होती है, जैसे एक कक्षा ये रही या फिर एक कक्षा ये रही, और इन कक्षाओं में जो है ऋणात्मक आवेश वाले परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं में क्या घूमते रहेंगे? इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, ऐसी एक और कक्षा होगी बाहर, उसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब इन कक्षाओं के इन्होंने नाम दिया, जो पहली कक्षा है उसको के नाम दिया, अगली कक्षा को एल नाम दिया, फिर एम, फिर एन, तो अंग्रेजी के अक्षरों के हिसाब से इन्होंने कक्षा को नाम दिया, सारी कक्षाओं को इन्होंने नाम दिया, या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, 1, 2, 3 भी इनको नाम दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है इन कक्षाओं में घूमता रहता है, निश्चित कक्षा में घूमता रहता है,
और जो सब सभी कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग होती है। जो सबसे पास वाली कक्षा है, उसके बाद वाली कक्षा है, इन सभी कक्षाओं की जो ऊर्जा होगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा है वो क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है, ये भी इन्होंने बताया। और इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक आवेश जो है अगर निचली कक्षा में है, तो अगर इसको बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है तो उसको अवशोषित करके ये ऊपरी कक्षा में चला जाता है। मतलब इसने ऊर्जा अवशोषित की और ऊर्जा मिलते ही ये ऊपरी कक्षा में जा सकता है। उसी तरह अगर ऊपरी कक्षा में पहले से ये इलेक्ट्रॉन विद्यमान है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा को निकाल देगा और वो निचले वाली कक्षा में आ जाएगा, निम्न ऊर्जा की स्तर में आ जाएगा। मतलब जो परमाणु का मॉडल इन्होंने बताया उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे तो जो सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षा होती है वो पहली होती है, फिर उसके पास उससे ज़्यादा ऊर्जा वाली कक्षा, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा वाली कक्षा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा का त्याग करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा या ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ये सब बातें इन्होंने बताई। तो जो बातें बताई उसको हम कैसे लिखेंगे? पहला बिंदु लिखेंगे, परमाणु के अंदर ऋण आवेशित कण होते हैं जो विभिन्न कक्षाओं के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। मतलब ऋण आवेशित कण होते हैं जो कक्षाओं में घूमते हैं, किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, जो केंद्र है उसको हम बोलते हैं नाभिक, और उसके चारों ओर घूमते हैं। दूसरा बिंदु है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। तो ये भी समझ में आता है कि निश्चित कक्षा में घूमते हैं और वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। उन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, और सभी कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होती है। इन ऊर्जा कोशों को, ये ऊर्जा के जो कोश हैं या ऊर्जा के जो स्तर हैं, इनको 1, 2, 3, 4 या फिर अंग्रेजी के अक्षर KLMN से व्यक्त कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तीसरा बिंदु देखो, प्रत्येक ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है, जो हर एक ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा निश्चित होगी। नाभिक के सबसे पास वाले कोश की ऊर्जा सबसे कम और सबसे दूर वाले कोश की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, ये भी हमने समझ लिया कि जो कक्षा सबसे पास होगी नाभिक के उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, और सबसे दूर होगा उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। अगला बिंदु है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षा में घूमते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग NH/2π का गुणांक होता है। NH/2π का, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये यहाँ पे आना चाहिए था, इसको मैं फिर भी समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ है NH/2π, मतलब N तो क्या बता रहा है कि जो कक्षा है जिसको हम 1, 2, 3 ऐसे नाम दे रहे थे वो संख्या है, वो संख्या है। एन की मान क्या है, हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है। और एच एक नियतांक है जिसको फ्लैंक नियतांक बोलते हैं। इसको हमको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस हमको याद करना है, NH/2π, NH/2π। मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी निश्चित कोणीय संवेग होता है, वो संवेग क्या होता है, NH/2π। और यहाँ पे एच फ्लांक नियतांक है, इससे आगे हमको कुछ नहीं पूछेगा प्रश्न, बस इतना ही प्रश्न आएगा कि कोणीय संवेग क्या है, NH/2π। तो ये है कि चारों ओर घूमता है और जिसका निश्चित कोणीय संवेग होता है NH/2π। उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r है और उसका वेग v है, तो उसका कोणीय संवेग MvR/NH/2π होगा, ये भी हमको याद कर लेना है। इसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ पूछेगा भी नहीं। m का मतलब है द्रव्यमान, v का मतलब है वेग, और r का मतलब है त्रिज्या। त्रिज्या कौन सी त्रिज्या, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो इसकी नाभिक से जो दूरी होगी वो क्या होगी, त्रिज्या, तो वो त्रिज्या है। n क्या है, 1, 2, 3 जो नाम थे ऊर्जा स्तरों के वो। एच क्या है, फ्लांक नियतांक है। और 2 और π की वैल्यू हमको पता होती है, 2 और π की वैल्यू 22/7। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब क्या है, ये कोणीय संवेग का फार्मूला है, MvR/NH/2π। अगला बिंदु देखते हैं, स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। मतलब अगर स्थायी कक्षा में घूम रहे हैं,
मान लो एक ही कक्षा में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, घूमते जा रहे हैं एक ही कक्षा में, तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, पर अगर दूसरी कक्षा में जाएंगे तो ऊर्जा को ग्रहण भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। यदि परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो इसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। अगर बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो वो ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है, ये हमने देखा था, और अगर वो ऊर्जा का त्याग करता है तो नीचे वाली अवस्था में आ जाता है। तो दोनों बिंदु हम लिख सकते हैं। अब बोर के मॉडल में भी कुछ कमियां रही, उनको हम देखते हैं कि क्या कमियां थी। पहली कमी थी कि अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका। जो सभी परमाणु हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, पर ऐसे भी परमाणु हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो इनने जो गुणधर्म बताए, जो भी बिंदु बताए, उनके हिसाब से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को इस मॉडल के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सका। दूसरा बिंदु है, उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चला कि परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बटा जाता है, जिसके कारण बोर मॉडल ने स्पष्ट नहीं किया। मतलब क्या है कि जो भी परमाणु परमाणु होते हैं, जैसे मान लो ये परमाणु है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं ऊर्जा को लेके या ऊर्जा को छोड़कर, तो उसको हम देख सकते हैं किससे, उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से, और उसमें हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम मतलब ऊर्जा ऊर्जा का स्तर मिलता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, इनका ऊर्जा के स्तर मिलते हैं बहुत सारे। उस ऊर्जा के स्तरों में बहुत सारे लाइनें होती है, जिसको इस बोर मॉडल ने स्पष्ट नहीं किया। इतना समझने वाली बात है कि जो भी ऊर्जा के स्तर मिले या फिर जो भी स्पेक्ट्रम मिला, उसको इन्होंने समझा नहीं पाए ये, इसलिए ये भी इसकी क्या रह गई, एक कमी रह गई। अगला बिंदु है, इस परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया। जो भी बंध बनते हैं, जैसे H2 हो, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो बंध होते हैं, ये जो जुड़े होते हैं, इन बंधों को भी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, तो ये भी इनमें क्या रह गई, कमी रह गई। क्योंकि हाइड्रोजन भी परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, जब ये जुड़ेंगे तो इनमें बंध बनेगा, उस बंध को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, तो ये भी इनकी कुछ कमियां थी। तो इस तरह से बोर मॉडल भी हमने पढ़ लिया और इन्होंने क्या बताया और इसमें क्या क्या कमियां थी, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ बोर मॉडल क्या है। ये नाभिक है, नाभिक के आसपास निश्चित कक्षाएं होती है, हर एक कक्षा की निश्चित ऊर्जा होती है। इन कक्षाओं को हम KLMN नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, KLMN, या फिर 1, 2, 3 नाम दे देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बाहर से मिलेगी तो ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा अगर छोड़ेगा तो वो नीचे वाले कक्षा में आ जाएगा। ये तो हो गई परमाणु मॉडल, और इनका कोणीय आवेग होता है NH/2π। हर एक कक्षा का कोणीय आवेग क्या होगा, NH/2π, ये याद रखना है। उसके बाद कमियां क्या है कि इन्होंने क्या है, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले मॉडल को स्पष्ट नहीं किया। स्पेक्ट्रम जो मिला, जो हमने उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से इसका स्पेक्ट्रम देखा, उच्च भेदन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप वगैरह से जो हम देखते हैं, उस स्पेक्ट्रम को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। बंध कैसे बनते हैं वो इन्होंने नहीं बताया, तो ये इसकी कमियां हो गई। तो इस तरह बच्चों हमने आज के टॉपिक में क्या समझा कि एक तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और एक बोर का परमाणु मॉडल, ये दोनों हमने समझे, और यहीं से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, यही ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, और जो भी अपने भाई बहन हैं राजस्थान शिक्षा बोर्ड के, जिन बच्चों को नहीं पता है कि यहाँ पे विज्ञान की सारी कक्षाएं लग रही हैं, तो उनको बताइए और शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक में क्या दिक्कत है, मैं आपको सब समझाऊंगा।